देखो प्लस वन में आपके 14 है, 14 है, प्लस टू से दो ज्यादा ही है। प्लस टू में 12 है आपके, 14 है, तो आपके कितने हो गए, 4 + 2 6 हो गए ना, तो आपके 14 है टोटल, मतलब 12 हमने जितना है प्लस एक लेक्चर और लगेगा। प्लस टू का बिल्कुल 12 था तो 6 हो गए, 6 रह गए, आपका 14 है, तो वो हम करवाएंगे फिर आपको, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग होगा, वैसे दो दो टर्न्स एक्सपेक्टेड हैं, जैसे पिछली बार ही दो टर्न्स थी, इस बार भी दो दो टर्न्स एक्सपेक्टेड है, बाकी देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम। मिनिमम 2 या 3 बार तो आपकी टर्न आ ही जाएगी, ठीक है। तो फाइल साथ में बनाते जाइए, और कई बच्चों ने फाइल चेक नहीं कराई थी, अब उसके भी मार्क्स होते हैं, वाइवा के अलग मार्क्स होते हैं, तो ये सारा कट कट आके ऐसे फिर 7, 8, 9 ऐसे मार्क्स थे प्रैक्टिकल में बच्चों के। तो प्लीज बी वेरी वेरी अटेंटिव नाउ, स्टार्ट मेकिंग द फाइल साइड बाय साइड। जिस दिन प्रैक्टिकल यहाँ पे दो हुए, घर जाके उसको लिख लो। हाँ जी, हाँ वो तो अब आपको पता चल ही गया पैटर्न, अब तो आपने 6 एक्सपेरिमेंट एक्टिविटीज लिख ली हैं, नाउ यू आर अवेयर ऑफ दैट। वैसे भी 10th तक फाइल बनाते ही थे, वैसे ही साइंस की फाइल बनी है, फिजिक्स की वैसे ही बनी है। प्लेन पेज पे क्या लिखना है वो आप पहले से फॉलो करते आ रहे हो 9th से। हाँ जी, क्या वो तब गलती होती नहीं थी ना आपकी, तब आप रीडिंग लेते नहीं ना थे, अब रीडिंग ली है ना आपने, रीडिंग ली भी है, कईयों ने दूसरी की रीडिंग भी कॉपी की है, वो कॉपी करते करते कुछ और बन जाता है ना। तो अब वो प्रॉब्लम ये है कि हमें आपको इसलिए करेक्ट करना पड़ता है उसमें, कि आप पेपर में गलती ना हो, इसलिए अगर वहां पे हम ठीक नहीं करेंगे तो पेपर में कैसे आपको पता लगेगा, है ना, राइट। चलिए लेट अस स्टार्ट विद ग्रेविटेशन। चलिए सबसे पहले 9th से स्टार्ट किया हुआ है आपने, वही रेपिटेशन है, कुछ टॉपिक्स की रिवीजन है, सो लेट अस रिकॉल दोज टॉपिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी, व्हाट इज ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स प्रोवाइडेड दे हैव मास। और विदाउट मास तो कोई ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करती नहीं है, मतलब कि आप कह सकते हो कि दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। लिख लो, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स provided they have mass, between any two objects in the universe provided they have mass. For example, these tables, chairs, almira, all these are having mass, so they must be attracting each other gravitationally. But why don't we see them moving towards each other? अगर इनमें attraction हो रही है तो ये एक दूसरे की तरफ मूव क्यों नहीं कर रहे हैं? व्हाट इज द रीजन? बहुत कैसे पता चलता? हाँ, मास इज नेग्लिजिबल, इतना नेग्लिजिबल तो नहीं है, बेंच को उठा के देखो कितना है इसका। हाँ, अर्थ के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल, बिकॉज यू नो हमने फर्स्ट चैप्टर में स्टार्ट किया था, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स एग्जिस्टिंग इन नेचर, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स एग्जिस्टिंग इन नेचर, सो दैट्स व्हाई इट डिपेंड्स टोटली ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। हेवनली ऑब्जेक्ट्स दे हैव वेरी लार्ज मासेस, सो इट इज अप्रिशिएबल देयर। वी सी द मून मूविंग अराउंड द अर्थ, वी नो प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन, एंड एप्रिशिएबली मतलब हम हमें पता है कि उनकी मोशन हो रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली, सो इट इज वेरी वीक, इट बिकम्स एप्रिशिएबल ओनली व्हेन द मासेस आर वेरी लार्ज, दीज मासेस आर वेरी स्मॉल, सो दैट्स व्हाई वी डोंट एक्सपीरियंस, वी डोंट ऑब्जर्व एनी काइंड ऑफ एक्सेलरेशन इन दीज मासेस बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस इज द रीजन, राइट। नाउ व्हाट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में क्या डिफरेंस है? जब आप 9th में होते थे तब आप क्या करते थे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी को आप ग्रेविटी बोल देते,
आपसे पूछा जाता था कि जी क्या है, आप कहते थे ग्रेविटी, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है स्मॉल जी. नाउ यू आर अवेयर ऑफ दैट, कैपिटल जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट एंड स्मॉल जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो ये ग्रेविटी का मीनिंग क्या है? इट इज अ टर्म रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर प्लेनेट. व्हेन वन ऑफ दोज टू ऑब्जेक्ट्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर, कि जिनमें जो फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है उसको ग्रेविटेशन कहते हैं, अगर उनमें से एक ऑब्जेक्ट एक प्लेनेट है, फॉर एग्जाम्पल एक ऑब्जेक्ट अर्थ है, देन वी कॉल दैट फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ ग्रेविटी. यू कैन से दिस इज अ स्पेशल केस. सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड एनी अदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी. दोनों में से एक अगर अर्थ है या कोई प्लेनेट है, हम अर्थ की बात करते हैं क्योंकि वी आर लिविंग ऑन अर्थ. तो अगर उन दोनों में से एक कोई प्लेनेट है, अर्थ है, तो हम उस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी कह सकते हैं एज अ स्पेशल केस. सो राइट द डेफिनेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लिखो, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड एनी अदर ऑब्जेक्ट. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड एनी अदर ऑब्जेक्ट. Force of attraction between earth and any other object, that is called force of gravity. Newton's law of gravitation, what does it say? आपने Newton's first, second, third laws कर ली हैं, ये भी किया हुआ है Newton's law of gravitation in 9th standard. हाँ, क्या formula बताओ? Yes, so we have two masses M1 and M2. Suppose ek earth hai, ek moon hai. They are separated by a certain distance. Then they will attract each other with the gravitational force. Okay? And this gravitational force is found directly proportional to product of masses. Jaise ki humne bataya ki ye totally mass pe dependent. Greater are the masses, larger will be the, stronger will be the force. And lesser are the masses, weaker will be the force. Inversely proportional to square of distance between the masses also. Obviously, jitna dur hum jayenge, force utna hi weak hota jayega. Jitna hum pass aayenge, wo masses close aayenge, utna hi force strong hoga. Right? So it obeys inverse square law. Isko kehte hain inverse square law. Inversely proportional to square of distance. तो इसको हम बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ. सो कंबाइनिंग दीज टू फैक्टर्स इन वन फॉर्मूला एंड इंट्रोड्यूसिंग द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कैपिटल जी, वी गेट न्यूटन्स फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू जी M1 M2 ओवर आर स्क्वायर. पता है आपको, नाइन्थ में आपने यूज किया हुआ है इसको. व्हाट हैपेंस इफ डिस्टेंस इज डबल ट्रिपल हाफ, ऐसे क्वेश्चंस भी गए हुए. ठीक है, so let us state the law first. लिख लो ये पहले, then we will write the statement of Newton's law of gravitation. Statement बस यही है, इसको words में बोल देना हमने कि the force of gravitation between any two objects, ये दो objects है ना, is directly proportional to what? Product of masses. And inversely proportional to square of distance between them. This becomes Newton's law of gravitation. ये बस हमारी statement ही. तो लिखिए statement. Newton's law of gravitation states that the gravitational force between two masses, two objects लिखो पहले. Gravitational force between two objects is directly proportional to the product of their masses, directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them.
square of distance between them. Inversely proportional to the square of distance between them. ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया. वेयर व्हाट इज जी नाउ, नाउ लेट्स कम टू जी. इट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट. व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल, बिकॉज इट रिमेन्स सेम ओवर द होल यूनिवर्स. वेदर वी गो ऑन मून और जुपिटर और एनीवेयर एल्स, वैल्यू उसकी जी की वही रहेगी जो अर्थ पे सेम रहेगी. सो जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट. Let us calculate the unit of g from this formula. G can be written after cross multiplication like this. So force ka unit kya hai? Newton. Distance meter. Square hai to square ho jayega. Kg kg. So the unit is Newton meter square per kg square. And its value is 6.67. Into 10 raised to power minus 11. So with the unit we write the value now. 6.67 into 10 raised to power minus 11 Newton meter square per kg square. This is the value of capital G. Universal gravitational constant. So ये जो minus 11 की जो ये factor है ना, ये जहाँ पे जब multiply हो जाता है यहाँ पे, that makes the gravitational force very weak. अब मासेस जितने भी हो साथ में 10 रेस पर माइनस 11 का फैक्टर जो आ जाता है वो इनको वीक कर देता है. तो अब 10 रेस पर माइनस 11 तभी कॉम्पेंसेट होता है व्हेन द मासेस आर वेरी लार्ज, व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर हेवनली फॉर एग्जांपल. ठीक है, तो इसकी प्रेजेंस की वजह से ये फोर्स वीक हो जाता है, यू कैन से दैट राइट. हेनरी कैवेंडिश ही कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ जी कैपिटल जी फॉर द फर्स्ट टाइम. हेनरी कैवेंडिश He calculated the value of capital G for the first time. ये value वहां से आई. Now let us define capital G. अब ये formula है आपके सामने. If we take two masses of 1 kg each and they are separated by distance of 1 meter also. ठीक है, 1 kg के दो masses imagine कर लो, उनको 1 meter अपार्ट रख दो. सो दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 1. देन हाउ मच विल बी जी? जी विल बी इक्वल टू एफ. सो ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट इज डिफाइंड एज व्हाट इज दिस ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास 1 kg सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1 meter. बस ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट की. लिखिए डेफिनेशन. ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट इज defined as gravitational constant is defined as the gravitational force between two objects of mass 1 kg between two objects of mass 1 kg separated by a distance of 1 meter. Separated by a distance of 1 meter. Right? So capital G is clear now. Now, what is the importance of Newton's law of gravitation, or what is the importance of concept of gravitation? We can say, likhiye pehle properties likh lete hain. Properties of gravitational force. Fir importance bhi likh lete hain. Properties of gravitational force. First property, as I told you, it is the weakest force existing in nature. It is the weakest force existing in nature, 10 raised to power 38 times weaker than the strong nuclear force. You can have an idea how weak it is. It is 10 raised to power 38 times weaker than the strong nuclear force that exists among the nucleons inside the nucleus. So, itna zyada weak hai.
10 raised to power 38 times weaker than the nuclear force and 10 raised to power 36 times weaker than the electromagnetic forces. बहुत वीक फोर्स है ये. हाँ, मैंने फर्स्ट चैप्टर में लिखवाया था ना, स्यूग से लर्न करवाया था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो, ये स्ट्रेंथ लिखी थी ना हमने, SEWG. यहाँ पे आपने लिखा था 1 है ये 10 रिस्ट पर, -2 है ये कितना था, और -38. सो दिस इज अ कंपैरिजन ऑफ देयर स्ट्रेंथ्स. ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, वीक न्यूक्लियर फोर्स, और ये ग्रेविटेशनल था. ठीक है, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इट इज द वीकेस्ट फोर्स एग्जिस्टिंग इन नेचर. हाँ, 10 इसकी अगर स्ट्रेंथ 1 है तो ग्रेविटेशनल फोर्स 10 इस पर 38 टाइम वीकर हो गया ना, इससे डिवाइड करते जाओ ना ये, फिर 100 ओवर ये करोगे तो 10 इस पर 36 हो जाएगा. हाँ हाँ, फिर आप उसको अकॉर्डिंगली चेंज कर लो. अभी तो ये रेशियो बताइए ना, हम तो ऐसे लिखो. ओके, सो सेकंड प्रॉपर्टी, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर. हमेशा अट्रैक्टिव होता है. एप्पल गिरते हुए देखा कभी, ऊपर जाते तो नहीं देखा ना. सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर. ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज अट्रैक्ट each other. हाँ जी, ऊपर को फेंक दो, वो तो आप अगेंस्ट ग्रेविटी आप वर्क कर रहे हो ना, आपको वर्क करना पड़ेगा. देखो, नीचे गिराने में कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपने छोड़ दिया, गिर गया अपने आप नीचे चला जाए. ऊपर गिराने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, आपको खुद को वर्क करना पड़ेगा. तो वो तो फिर वर्क तो आप कहीं भी कर सकते हो, आप उसको हॉरिजॉन्टल भी लेके जा सकते हो, आप उसको डायगोनली भी लेके इधर भी कर सकते हो. By default तो वो डाउनवर्ड ही जाएगा, है ना. तो इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर. अब आप कहोगे कि ये थर्ड प्रॉपर्टी लिखे, इट इज अ सेंट्रल फोर्स. इट्स अ सेंट्रल फोर्स. यू हैव सीन मैंने लाइन कहां से कहां तक ड्रॉ की है, सेंटर टू सेंटर ड्रॉ की है. इट एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स. इट एक्ट्स अलोंग line joining the centers of two objects. It's a central force. तब आप कहोगे कि मून और अर्थ जो है इनके अगर सेंटर के लॉन्ग एक्ट कर रहा है तो मून तो एक सर्कुलर पाथ में ऑर्बिट कर रहा है, प्लैनेट्स इलिप्टिकल पाथ में ऑर्बिट कर रहे हैं अराउंड द सन. तो उसका रीजन क्या है, बिकॉज इन दीज केसेस ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड्स देम द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. वो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल हो जाता है इन केसेस में. तो जब सेंट्रीपिटल फोर्स मिल गया एक ऑब्जेक्ट को तो इसका पाथ सर्कुलर हो जाए. सो दैट्स व्हाई मून विल नेवर फॉल इनटू द सेंटर ऑफ अर्थ. ये आप देखोगे ऐसे क्वेश्चंस हैं बुक्स में कि इफ मून एंड अर्थ दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स इज सो स्ट्रॉन्ग, सो अकॉर्डिंग टू दिस वन डे इट इज एक्सपेक्टेड दैट द मून विल फॉल इनटू द अर्थ, इनटू द सेंटर ऑफ अर्थ. इज इट पॉसिबल? नो. Because this gravitational force is providing it necessary centripetal force, because of which it is moving in a circular path and it will keep on doing this forever. It will never be a straight line path, right? Because distance is not going to change, the masses are not going to change. So that's why. Third property is gravitational force is a conservative force. इसको तो हमने prove भी किया हुआ. So I hope you know the meaning of conservative forces. Work done by such a force depends only on initial and final positions. It does not depend upon shape of path followed. So, हमने तीन paths लिए थे, straight path, staircase और inclined path. तीनों में work done MGH आ रहा था. So, it's a conservative force also. Next property is gravitational force obeys inverse square law. वो तो इसके formula से ही clear है. Gravitational force obeys inverse square law, and what is the meaning of this law? It means that as the distance between the objects increases, the force becomes weaker. As the objects come closer, the force becomes stronger. So, agar wo dur dur hain, to weak force hoga. Agar wo pass pass hain, to strong force hoga. So, inversely proportional to square of distance between them. Right? Next is Newton's third law is obeyed.
न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज इन अकॉर्डेंस विद न्यूटन्स थर्ड लॉ. दिस इज द प्रॉब्लम. दिस लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इज इन अकॉर्डेंस विद न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. द फोर्स दैट वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स ऑन द अदर एंड द अदर ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स ऑन द फर्स्ट, दे आर एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस. तो आप इनको मार्क कर सकते हो. दिस इज फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, दिस इज फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट. आप कह सकते हो दिस पेयर इज नो डाउट एक्शन एंड रिएक्शन पेयर. क्लियर है? तो दीज आर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. एक और प्रॉपर्टी लिख लो, इट्स अ लॉन्ग रेंज फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स. इट एक्सटेंड्स अप टू इंफिनिटी. कोई एंड नहीं है, कहीं तक एक्ट कर सकता है, इंफिनिटी तक एक्ट कर सकता है, बहुत लार्ज डिस्टेंसेस तक एक्ट कर सकता है. सो इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स, अनलाइक न्यूक्लियर फोर्स. जैसे न्यूक्लियर फोर्स आप देखते हो, इट इज ओनली अप टू न्यूक्लियर डायमेंशन, अप टू द ऑर्डर ऑफ फ्यू फर्मीज ओनली. तो जब न्यूक्लियस से बाहर निकलते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस आ जाती है, और जब डिस्टेंसेस बहुत लार्ज हो जाते हैं मैक्रोस्कोपिक स्केल पे, देन द फोर्स इज नो डाउट दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है? इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन नाउ, और इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन, वन एंड द सेम थिंग. क्या इंपॉर्टेंस है ग्रेविटेशन की हमारी लाइफ में? इट बाइंड्स अस टू द अर्थ. नंबर वन, इट बाइंड्स अस टू द सरफेस ऑफ अर्थ. अगर ग्रेविटी नहीं होती तो हम खड़े नहीं हो पाते यहां पर. तो बिकॉज ऑफ आर वेट वी आर एबल टू. इट बाइंड्स अस टू द सरफेस ऑफ अर्थ. इट बाइंड्स अस to the surface of earth. You have seen how important is your weight in walking. Newton's third law ke example mein maine walking ka resolution ka diagram banaya tha. To usme when we walk we press the earth, we exert some force on the earth, in turn earth makes us move in the forward direction. So the weight is playing an important role, gravity is playing an important role there. Theek hai? इवन इनर्शिया के एग्जाम्पल्स में भी ग्रेविटी वॉज प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल. लाइक हमारे पास वो कॉइन कार्ड एक्सपेरिमेंट था, उसमें जो कॉइन के अंडर से जब कार्ड निकल जाता है तो कॉइन क्यों गिरता है टम्बलर में? ड्यू टू इट्स वेट, ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है? बायंसी में ग्रेविटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. ठीक है? वेन डज एन ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक इन एनी लिक्विड, दैट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन वेट और ग्रेविटेशनल फोर्स. There are actually two forces there, ek bind force, dusra gravitation. So almost in all the important areas, gravitation is playing an important role. ठीक है? तो next लिखिए, it is the force due to which planets are revolving around the sun. नहीं तो planets भी revolve नहीं कर पाते sun के around. It's the force due to which planets are revolving around the sun. Gravitational force between planets and the sun provides the necessary centripetal force. Gravitational force between planets and the sun provides the necessary centripetal force. In the same way, there is electrostatic force between electrons and nucleus inside an atom, because of which electron is able to revolve around the positively charged nucleus. तो वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, बिकॉज ऑफ विच इट इज हैपनिंग. थर्ड पॉइंट, इट इज अ फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रेवोल्यूशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ. मून भी रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के अराउंड बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. तो मून इज नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ विच इज orbiting around the earth because of only gravitational force. So no fuel is required for such a satellite to orbit around a planet. When the artificial satellites are launched from the surface of a planet, then a lot of fuel is required. But moon is the natural satellite, it is already moving along a circular path. No fuel is required to maintain its circular path. Okay?
Then next is tides are produced in oceans due to gravitational attraction between moon and water. So gravitational attraction of moon produces tides in the oceans. Gravitational attraction of moon produces tides in the oceans. Anji? Tides hai, tidal energy produce ho rahi itni zyada. सुनामी हर बार थोड़ी आती है. टाइडल एनर्जी तो इतने सालों से प्रोड्यूस कर रहे हैं. टाइडल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट यूज. और वो नेचुरल फिनोमिना, हम उसका कुछ नहीं कर सकते कि जो टाइड्स प्रोड्यूस हो रही है. हम बस बता रहे हैं कि उसका क्या क्या ग्रेविटेशन कहाँ पे हम देखते हैं.